वेलकम टू सांवरिया क्राफ्ट। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे। राधे राधे, सांवरिया क्राफ्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो सीखेंगे वो है 5 नंबर गोपाल जी की चोली विद घेरा, क्योंकि आज हम फ्लैट सर्कल घेरा सीखेंगे। इसे अगर आप बनाना सीख जाएंगे तो आप इसी से बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस गोपाल जी की बना सकते हैं। और इस फ्लैट सर्कल को बनाना बहुत ही इजी है, और इसको आप सिंपल घेरा भी कह सकते हैं या फ्लैट सर्कल जो भी है, आप इसको बनाना सीख जाएंगे बड़ी ही आसानी से। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, अपना वर्क स्टार्ट करने से पहले देखिए, ये हमारे पास वूल है फ्रेंड्स। ये मैंने वर्धमान रैबिट वूल ली है, ये सीजर, एंड ये हमारे पास 1.10 mm का ये क्रोशिया है। तो आइए अपना वर्क स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। 5 नंबर गोपाल जी की हम चोली बनाने के लिए सबसे पहले हम चेन बनाते हैं, क्योंकि आप जब भी हम ज़्यादातर यही होता है ड्रेसेस में, हम चोली से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो चोली ऊपर से गले के पास से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करने के लिए हमें चेन बनानी होती है। तो ये देखिए, ये मैंने ऐसे करके ये बल लिया क्रोशिए में, और यहीं से हम चेन बनाएंगे फ्रेंड्स। ये हमारी एक चेन हो गई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी 16 चेन हो गई हैं। और यहीं से हम ऐसे हाथ रखेंगे और यहाँ पर हम 3 चेन और बनाएंगे, 1, 2, 3। तो ये टोटल हमारी 19 चेन हो गई हैं फ्रेंड्स। ये 3 चेन को हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और यहीं से ऊपर से क्रोशिया में हम लोग बल लेंगे फ्रेंड्स। और बल लेने के बाद ये जहां हमने हाथ रखा था, हमारी जो 16वीं चेन है उसके अंदर हम क्रोशिया उग डालेंगे और यहां पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से फ्रेंड्स, ऊपर से हम ये बल लेंगे और नेक्स्ट चेन स्टिच में हम क्रोशिया उग डालेंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। ऐसे ही एवरी चेन में हम एक एक बार, ये एवरी चेन में 1-1 टाइम डबल क्रोशिया बनाते हुए हम अपना ये रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी फर्स्ट रो चोली की कंप्लीट हो गई और यहाँ पर हमारे पास 17 डबल क्रोशिया हैं। और यहीं से फ्रेंड्स फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3। 3 चेन बना के अपने वर्क को यहाँ से टर्न करेंगे फ्रेंड्स। एक ये जो 3 चेन का हमने एक डबल क्रोशिया बनाया है, ये ऊपर से हम लूप लेंगे और सेम जिसमें हमने ये 3 चेन बनाई है इसी में हम क्रोशिया उग डालेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास फ्रेंड्स फर्स्ट चेन में 2 टाइम डबल क्रोशिया हो गया। यहाँ से फिर हम ऊपर से बल लेंगे और नेक्स्ट चेन स्टिच में हम क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए हमारा वर्क कुछ देखने में ऐसा है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट में भी 2 डबल क्रोशिया हो गया, सेकंड में भी 2 डबल क्रोशिया। एवरी चेन में हम 2-2 टाइम डबल क्रोशिया बनाते हुए ही अपना सेकंड राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम वर्क करते हुए सेकंड राउंड के लास्ट में पहुंच गए हैं फ्रेंड्स। और हमने एवरी चेन में हमने 2-2 टाइम ये डबल क्रोशिया बनाए हैं। और फ्रेंड्स यहाँ से लास्ट में भी हम ये लूप लेंगे और ये जो 3 चेन का हमारा एक डबल क्रोशिया होता है उसकी 3री चेन में हम क्रोशिया उग डालेंगे। ये देखिए, और यहाँ से भी हम लूप निकालते हुए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारा इस तरीके से ये देख लिए 17 जो हमारे डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमने जब वर्क किया तो 2-2 टाइम डबल क्रोशिया बनाए, लास्ट में हमने ये एक डबल क्रोशिया बनाया फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमारे ये टोटल 33 डबल क्रोशिया हो गए। और यहीं से फिर से हम
तीन चेन बनाएंगे, 1, 2 एंड 3। ये 3 चेन बना के फ्रेंड्स हम अपने वर्क को यहाँ से टर्न करेंगे। ये हमारा 3rd राउंड स्टार्ट है फ्रेंड्स। यहीं से हम फिर से लूप लेंगे और नेक्स्ट चेन स्टिच में, एक में तो हमारा ये डबल क्रोशिया हमारा 3 चेन का हो गया, जो नेक्स्ट चेन स्टिच है इसमें हम क्रोशिया हुक डालेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए नेक्स्ट चेन स्टिच में हम क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम बल लेंगे और नेक्स्ट चेन स्टिच में हम, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसमें नेक्स्ट में हमने ये 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाया और नेक्स्ट में हम बल लेंगे और इसमें 1 डबल क्रोशिया हम यहाँ बनाएंगे, नेक्स्ट में भी हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद जो तीसरा हमारा फ्रेंड्स तीसरा चेन होगा, ये 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 1 बनाया, फिर 1 बनाया, इसके बाद हमारा पैटर्न होगा एक चेन में हमने ये 2 टाइम डबल क्रोशिया। इस तरीके से फ्रेंड्स एवरी 3rd चेन में हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाते हुए अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हम 3rd राउंड के लास्ट में पहुंच गए हैं और यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया है और ये लास्ट में हमारे पास 1 डबल क्रोशिया 3 चेन वाला बचा है। तो फ्रेंड्स इसमें भी हम ऊपर से बल लेंगे और तीसरी चेन स्टिच में क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर भी हम 1 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इसमें फ्रेंड्स हमारे 3rd रो में हमारे पास 44 डबल क्रोशिया हो गए। फ्रेंड्स अब हम यहीं से 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3 और हमारा ये वर्क टर्न करेंगे ऐसे और ये हमारा 4th राउंड स्टार्ट है। अब हम बाजू वाला जो हमारा हिस्सा होता है अब हम वो बनाएंगे। तो फ्रेंड ये 3 चेन का हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया और यहाँ से हम बल लेंगे और यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया बना देंगे। नेक्स्ट में भी फ्रेंड्स हम बल लेंगे और ये 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स ये हमारे 3 बन गए और हम एक एक चेन में 1-1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर हम ये बैक के 6 डबल क्रोशिया हम कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए ये हमारे बैक के एक साइड के 6 डबल क्रोशिया बन गए हैं और यहीं से फिर अब हम बाजू के लिए स्किप करेंगे फ्रेंड्स। बाजू के लिए हम स्किप करेंगे, उसके लिए हम यहाँ से 10 स्किप करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये देखिए मैं क्रोशिया से गिनकर दिखाती हूँ आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में हम क्रोशिया डालेंगे 11 वाली चेन में और यहाँ से हम लूप निकालेंगे फ्रेंड्स। ये हमने लूप निकाला और यहीं पर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट चेन स्टिच में भी ये 2रा डबल क्रोशिया और ये 3रा डबल क्रोशिया। फ्रेंड्स इसी तरीके से हम एक एक डबल, ये जो हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया ये हम 12 डबल क्रोशिये कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर भी 12 डबल क्रोशिये बना लिए हैं और यहीं से फिर हम लूप लेंगे और यहाँ से चैन ये जो चेन स्टिच है हमारी ये स्किप करेंगे हम 10, जैसे हमने यहाँ पर की थी, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 भी जो क्रोस ये हमारी चेन स्टिच है इसमें हम क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ से लूप निकालते हुए हम यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर से हम नेक्स्ट चेन में हम क्रोशिया हुक डालेंगे और हम ये 2रा डबल क्रोशिया, ये 3रा डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से ये 4th हमारा डबल क्रोशिया, ये 5th डबल क्रोशिया। फ्रेंड्स लास्ट में जो हमारा 3 चेन का डबल क्रोशिया हम इसको काउंट करते हैं, इसकी तीसरी चेन में भी हम क्रोशिया हुक डालेंगे यहाँ पर और यहाँ से भी लूप निकालते हुए हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा वर्क देखने में कुछ ऐसा है। ये देखिए यहाँ हमारे ये 6 डबल क्रोशिया बने, उसके बाद हमने ये 10 चेन हमने यहाँ से स्किप की, फिर हमने 12 बनाए, फिर ये हमने 6 चेन ये
यहाँ से 10 हमारी चेन थी, ये स्किप करके हमने 6 डबल क्रोशिया यहाँ बनाए। तो इस तरीके से देखिए ये वर्क हमारा कुछ इस टाइप का, ये फोर्थ राउंड हमारा कंप्लीट हो गया और हमारा वर्क देखिए कुछ ऐसा है फ्रेंड्स। ये देखिए हमारे 5 नंबर गोपाल जी की चोली, लेकिन चोली में ये देखिए अब हमें ये वाला पोर्शन तो हमारा बन गया। जैसे हमें चोली में लेंथ अभी हमारी ये छोटी है, तो हम अभी एक राउंड यहाँ पर और बनाएंगे फ्रेंड्स। तो उसके लिए फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ से हमने ये हमारा ये फोर्थ राउंड कंप्लीट हुआ, तो यहीं से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बना के यहीं से अपने वर्क को ऐसे टर्न करेंगे फ्रेंड्स, और हम एवरी चेन के अंदर 1-1 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एक डबल क्रोशिया है, ये 3 चेन का। फिर से हम लूप लेंगे और बिल्कुल जो इसके नीचे वाली हमारी चेन स्टिच है ये वाली, इसके अंदर हम क्रोशिया डालेंगे और इसमें भी हम 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, और एवरी चेन के अंदर हम 1-1 टाइम डबल क्रोशिया बनाते हुए ये अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये चोली का 1 2 3 4 5 ये 5 राउंड हमने कंप्लीट कर लिए, और अब हमारी ये चोली की लेंथ हमारी ये कंप्लीट हो गई है। देखिए हमारा ये लास्ट में भी मैंने जो 3 चेन का एक डबल क्रोशिया था उसमें भी हमने एक डबल क्रोशिया बनाया है, और ये वर्क हमारा देखने में कुछ देखिए ऐसा है। ये हमारी चोली फ्रेंड्स कंप्लीट हो गई है, और ये देखिए आप चाहें तो फ्रेंड्स अगर आपको ज़्यादा लंबी चोली रखनी है तो आप एक राउंड और बना सकते हैं। और ये देखिए यहाँ से ये चोली की शेप कितनी प्यारी, कितनी अच्छी सी आई है, और यहीं से फ्रेंड्स अब आप यहीं से फ्रेंड्स अब हम इसका घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो कोई भी अगर हम घेरा बनाते हैं, जैसे कोई 5 नंबर की चोली जब भी बनाते हैं हम ड्रेस, तो हम घेरा बनाते हैं जैसे ड्रेस में, तो हम घेरा बनाने के लिए फ्रेंड्स आप एक यहाँ पर अगर आपको फिटिंग थोड़ी यहाँ से टाइट चाहिए, आप डोरी नहीं बनाना चाहते और फिटिंग अच्छी रखना चाहते हैं, तो यहीं से आप एक राउंड हाफ डबल क्रोशिया का भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसके लिए 1 2 ये हमने 2 चेन बनाई हैं, और यहीं से हम अपने वर्क को ऐसे टर्न करेंगे और यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे फ्रेंड्स, या आप सिंगल क्रोशिया भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं अब सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ, तो उसके लिए फ्रेंड्स ये मैंने 2 चेन बना ली हैं, और यहीं पर हम फ्रेंड्स ये क्रोशिया डालेंगे, और ये हमने सिंगल चेन बनाई, सेम उसी के अंदर बनाई है फ्रेंड्स मैंने। ऐसे एवरी चेन में हम क्रोशिया डालते हुए एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे एवरी चेन में, तो उससे फिटिंग है ना बहुत प्यारी सी आती है फ्रेंड्स। तो ये देखिए मैं एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये अपना राउंड कंप्लीट करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हम एक एक बार ये सिंगल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट में पहुँच गए, और लास्ट में भी हम ये जो 3 चेन का हमारा एक क्रोशिया काउंट करते हैं उसमें उसकी तीसरी चेन में हम क्रोशिया डालेंगे, और यहाँ पर भी हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे फ्रेंड्स। ये देखिए तो हमारी ये चोली गोपाल जी की बिल्कुल रेडी है घेरा बनाने के लिए। ये देखिए अब यहीं से अब हम घेरा स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। अब ये देखिए क्योंकि मैं जब ड्रेसेस बनाती हूँ तो मैं एक राउंड घेरे का बनाने के बाद ही इसको हम चोली को ज्वाइंट करते हैं। आप चाहें तो यहाँ से भी ज्वाइंट कर सकते हैं इसको बिल्कुल यहाँ से, लेकिन मैं एक राउंड बनाने के बाद ही ज्वाइंट करती हूँ। तो ये वर्क यहाँ हमने कंप्लीट किया, और यहीं से हम 3 चेन बनाएंगे फ्रेंड्स। जब भी आप कोई सिंपल घेरा बनाना चाहें या फ्लैट सर्कल वाला घेरा बनाना चाहें तो सेम प्रोसीजर है, चाहे आप 2 नंबर की चोली में ये वाला घेरा बनाएं जो मैं आपको बनाना अब बताऊंगी, चाहे आप 7 नंबर में, 8 नंबर में, 10 नंबर में, किसी भी साइज में बनाना चाहें, तो उसका तरीका यही है हम सिंपल घेरा बनाने का फ्रेंड्स। ये मैंने 3 चेन बनाई, और यहीं से अब मैं अपने वर्क को टर्न करूंगी फ्रेंड्स। ये देखिए क्योंकि ये हमारी चोली की राइट साइड है, तो यहीं से मैं राइट साइड से ही घेरा स्टार्ट कर रही हूँ बनाना फ्रेंड्स। ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा 3 चेन का, और फिर से हम लूप लेंगे, सेम चेन स्टिच में हम क्रोशिया उड़ा लेंगे, और यहाँ पर हम
एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरीके से फर्स्ट चेन में हमारे पास ये टू टाइम डबल क्रोशिया हुआ। फिर से हम लूप लेंगे और नेक्स्ट चेन स्टिच में क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से लूप लेंगे, सेम चेन स्टिच में क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा वर्क देखने में कुछ ऐसा है। एवरी चेन में टू टू टाइम डबल क्रोशिया बनाते हुए हम घेरे का ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम एवरी चेन में टू टू टाइम डबल क्रोशिया बनाते हुए ये हम अपने राउंड के लास्ट में पहुंच गए हैं। और यहाँ पर भी फ्रेंड्स हम ये बल लेंगे और जिसमें हमने ये एक डबल क्रोशिया लास्ट वाले में हमने बनाया है उसी में हमने सेम चेन स्टिच में क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये वर्क हमारा देखने में, ये देखिए मैं रख कर दिखाती हूँ, ये हमारा घेरे का ये फर्स्ट राउंड हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ आपको बनाना फ्रेंड्स मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई थी, मिस हो गया था फ्रेंड्स। जब हमने ये चोली बनाई थी तो बना रहे थे उसके फोर्थ राउंड में हमने ये छः डबल क्रोशिया थे, छः ही डबल क्रोशिया हमने इधर बनाए थे और बीच में हमने ये 12 डबल क्रोशिया थे। तो इस तरीके से हमारे ये टोटल 24 डबल क्रोशिया हमारे पास हो गए थे यहाँ पर। और फ्रेंड्स 24 डबल क्रोशिया को अब हमने एक रो हमने और बनाई थी इसकी। एक रो बनाने के बाद हमने एक सिंगल क्रोशिया की रो बनाई है और उसके बाद ये घेरे का हमारा फर्स्ट राउंड है फ्रेंड्स। ये घेरे का फर्स्ट राउंड है, चोली का फर्स्ट राउंड नहीं है। चोली का अगर हम काउंट करते हैं तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये सिंगल क्रोशिया वाला 6th और ये 7th, लेकिन घेरे का ये फर्स्ट राउंड है फ्रेंड्स। और यहीं से फिर अब हम इसका नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको यहाँ से अगर आप जोड़ देते हैं तो ये आपका यहाँ से जुड़ने के बाद फिर आप ये सेम इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैंने तो फर्स्ट राउंड इसका बना लिया और अभी तक मैंने इसको ज्वाइंट नहीं किया। मैं इसलिए घेरे का फर्स्ट राउंड बनाने के बाद ज्वाइंट करती हूँ क्योंकि पहनाना बहुत आसान हो जाता है फ्रेंड्स। हम जब गोपाल जी को पहनाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती, हमें पहनाने के लिए यहाँ से जो स्पेस है वो हमें थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। और ये मैं बैक ओपन के लिए बता रही हूँ फ्रेंड्स। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आपको पूरा ही यहाँ से ओपन रखना है ड्रेस को, पूरा नीचे तक घेरे तक ओपन रखना है, तो आप इसको यहाँ से ज्वाइंट ना कीजिए, यहीं से टर्न लेके अपना वर्क स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन मुझे यहाँ से घेरे को ज्वाइंट करना है तो यहाँ से जो तीन चेन का हमारा एक डबल क्रोशिया हम बनाते हैं उसमें तीसरी चेन में हम क्रोशिया हुक डालेंगे ऐसे और यहाँ से एक सिंगल लूप निकालेंगे और ये लूप निकालने के बाद फ्रेंड्स ये स्लिप स्टिच से मैं इसको कनेक्ट कर दूंगी फ्रेंड्स। अब देखिए, यहीं से फ्रेंड्स हम तीन चेन बनाएंगे, 1, 2 और ये तीसरी चेन हमेशा थोड़ा लूज बनाया कीजिए फ्रेंड्स क्योंकि इसमें हमें वर्क करना होता है। अब इसके बाद फ्रेंड्स ये तीन चेन का हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। फिर से हम ये बल लेंगे, सेम चेन स्टिच के अंदर हम क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी फर्स्ट चेन में हमारे पास ये टू टाइम डबल क्रोशिया हो गया। यहीं से फिर हम बल लेंगे ऊपर से और नेक्स्ट चेन स्टिच में हम क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट में यानी कि हमारी दो ये डबल क्रोशिया के बाद पहले में डबल क्रोशिया एक बनाया, दूसरे में एक डबल क्रोशिया बनाया और तीसरे में हम ये टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, ये वर्क हमारा देखने में कुछ ऐसा है। टू डबल क्रोशिया हमारे स्टार्टिंग में बन गए थे पहली चेन में, उसके बाद हमने नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया बनाया, सेकंड में 1 डबल क्रोशिया और थर्ड में हमने 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाया। तो फ्रेंड्स अब हमारा पैटर्न होगा ये घेरे के सेकंड राउंड में एवरी थर्ड चेन में 2 टाइम डबल क्रोशिया। फ्रेंड्स ये नोटिस कीजिए, ये फ्लैट हमारा सिंपल, ये फ्लैट सर्कल बोल सकते हैं या आप इसे सिंपल घेरा बोल सकते हैं, किसी भी अगर आप साइज में घेरा बना रहे हैं तो पैटर्न आपका यही होगा। फर्स्ट में हमने ये एवरी चेन में 2-2 टाइम डबल क्रोशिया फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में हमें बनाना होगा एवरी थर्ड चेन में 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाते हुए ये हम सेकंड राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम सेकंड राउंड के लास्ट में पहुंच गए हैं और यहाँ पर भी हमने ये देखिए एवरी थर्ड चेन में 2 टाइम हमने डबल क्रोशिया बनाया और यहाँ पर हम लूप लेंगे और ये लास्ट वाली जो चेन स्टिच है इसके अंदर भी हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे फ्रेंड्स।
और ये जो हमारा तीन चेन का एक डबल क्रोशिया था उसकी तीसरी चेन में हम क्रोशिया उग डालेंगे और यहाँ से हम लूप निकालेंगे ऐसे और इसको स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे टू राउंड कंप्लीट हो गए और यहीं से हम थर्ड राउंड स्टार्ट कर रहे हैं और टू और ये तीसरी चेन को लूज बनाएंगे तीन। तो हमारा ये तीन चेन का एक डबल क्रोशिया फिर से लूप लेंगे फ्रेंड्स, जिसमें हमारा ये तीन चेन वाला डबल क्रोशिया सेम चेन स्टिच में हम क्रोशिया उग डालेंगे और यहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से फर्स्ट में हमारे पास ये टू टाइम डबल क्रोशिया हुआ। फिर लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में हम क्रोशिया उग डालेंगे फ्रेंड्स और यहाँ पर हम वन टाइम डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में फिर से वन डबल क्रोशिया, थर्ड में वन डबल क्रोशिया और फोर्थ में हम टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए क्योंकि हमने सेकंड राउंड में एवरी थर्ड चेन में टू टाइम डबल क्रोशिया बनाया था और ये हमारा घेरे का थर्ड राउंड है तो इसमें हम एवरी फोर्थ चेन में टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स ये देखिए एक चीज़ और नोटिस कीजिए, ये हमारे टू डबल क्रोशिया स्टार्टिंग में थे नीचे वाली चेन में, ये देखिए ये टू डबल क्रोशिया बनाया था, उसके बाद हमने दो डबल क्रोशिया बनाए थे एक एक चेन में, फिर हमने टू टाइम डबल क्रोशिया थर्ड में बनाए थे। लेकिन इसमें जैसे बनाना है, पहले में हमारे दो डबल क्रोशिया हो गए, फिर हमारे बीच में ये तीन डबल क्रोशिया है एक एक चेन में, उसके बाद हमने टू टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरीके से एवरी फोर्थ चेन में टू टाइम डबल क्रोशिया बनाते हुए हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हम वर्क करते हुए घेरे के हम थर्ड राउंड के एंड में पहुंच गए हैं फ्रेंड्स और यहाँ पर हमने ये देखिए दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमारे पास एक चेन स्टिच अभी और है, इसमें भी हम एक सिंगल डबल क्रोशिया बना लेंगे और ये जो तीन चेन का हमारा डबल क्रोशिया इसके तीसरी चेन में हम क्रोशिया उग डालेंगे ऐसे, ये देखिए और यहाँ से एक लूप निकालेंगे और यहाँ पर सिंगल स्टिच से इसे कनेक्ट कर देंगे और यहीं से फ्रेंड्स फिर से ये तीन चेन बनाएंगे वन टू थ्री। ये तीसरी चेन थोड़ा लूज बनाइए, ये तीन चेन का एक डबल क्रोशिया सेम चेन स्टिच में हम क्रोशिया उग डालेंगे और यहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरीके से फर्स्ट चेन स्टिच में हमारे ये वन ये टू टाइम डबल क्रोशिया बन गए, नेक्स्ट चेन स्टिच में हम क्रोशिया उग डालेंगे एक डबल क्रोशिया, ये दो डबल क्रोशिया और ये हमारा तीन डबल क्रोशिया और ये हमारा फोर्थ डबल क्रोशिया फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमारा इस वाले नीचे वाले राउंड में हमारे पास ये दो दो डबल क्रोशिया के बीच में तीन हमारे डबल क्रोशिया थे, लेकिन अब हमारे चार डबल क्रोशिया के बीच में हमारा पांचवा जो डबल क्रोशिया होगा वो टू टाइम बनाएंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा एवरी फिफ्थ चेन में हमारा टू टाइम डबल क्रोशिया बनाते हुए ये अपना फोर्थ राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हम घेरे के ये जो हम राउंड बना रहे थे वन टू थ्री फोर, ये फोर्थ राउंड के हम लास्ट में पहुंच गए और हमारा हमने बनाया था एवरी फिफ्थ चेन में टू टाइम डबल क्रोशिया बनाते हुए ये अपना राउंड हम फोर्थ राउंड कंप्लीट कर रहे हैं। तो फ्रेंड ये हम बना लिया हमने और ये तीन चेन का जो तीसरी चेन स्टिच में हम क्रोशिया उड़ालेंगे इस डबल क्रोशिया की तीसरी चेन में और यहाँ से हम एक लूप निकालेंगे, इस लूप से इसको हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो हमारे ये फोर्थ राउंड कंप्लीट हो गया और यहीं से हम फिफ्थ राउंड स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा तीन चेन का एक डबल क्रोशिया, इसकी चेन सेम चेन स्टिच में हम क्रोशिया उड़ालेंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। तो ये देखिए हमारे ये सेम चेन स्टिच में हर बार जैसे हम बनाते हैं दो डबल क्रोशिया हो गए, फिर से फ्रेंड्स लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में हम एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन स्टिच में एक डबल क्रोशिया, ये हमारे दो डबल क्रोशिया हो गए, ये नेक्स्ट में तीसरा डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में चौथा डबल क्रोशिया और ये नेक्स्ट ये चौथा डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में ये फिफ्थ डबल क्रोशिया और नेक्स्ट जो हमारा सिक्स चेन स्टिच होगा फ्रेंड्स उसके अंदर हम टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए हमने ये दो डबल क्रोशिया के बीच में हमारे ये
फाइव डबल क्रोशिया, उसके बाद छठे में हमने ये टू टाइम डबल क्रोशिया बनाया। इसी तरीके से एवरी सिक्स चेन में टू टाइम डबल क्रोशिया बनाते हुए हम अपना ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम वर्क करते हुए घेरे का हमारे ये फिफ्थ राउंड है, इसके हम लास्ट में पहुंच गए हैं। और यहाँ पर भी ये देखिए हमारा जो पैटर्न था वो एवरी सिक्स चेन में हमने टू टाइम डबल क्रोशिया बनाया। तो अब हम फ्रेंड्स यहाँ से ये लूप लेंगे और नेक्स्ट चेन स्टिच में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर ये तीसरी, ये जो हमारा चेन स्टिच है यहाँ पर, तीसरी चेन में हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ से एक लूप निकालते हुए इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। फिर से हम ये तीन चेन बनाएंगे। और फ्रेंड जैसे हमने ये देखिए, आपको इसमें तो मैंने आपको ये फाइव राउंड घेरे के बना कर दिखा दिए। अगर आपको घेरा बहुत और बड़ा बनाना है तो बनाने का पैटर्न यही रहेगा कि हर बार हम ये जो दो डबल क्रोशिया बनाते हैं एक चेन स्टिच में, तो इनके बीच में हमने स्टार्टिंग में ये देखी, हमारे पहले राउंड में हमारा ये दो डबल क्रोशिया एवरी चेन में थे, इसके ऊपर वाले में हमारे पास एवरी थर्ड चेन में हमने टू टाइम डबल क्रोशिया बनाया, फिर इसमें इससे ऊपर वाले में हमने फोर्थ में, फिफ्थ में और ये सिक्स्थ में। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट राउंड को जो भी बनाएंगे तो उसमें हम एक एक बीच में इंक्रीज करते जाएंगे। फ्रेंड्स ये हम छठे में हमने टू टाइम बना रहे थे, अब हम सेवन्थ में टू टाइम बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पाँच नंबर गोपाल जी की ये हम घेरा बना रहे हैं। तो घेरा आप जितना बड़ा बनाना चाहें इसी पैटर्न को यूज़ करके आप घेरे को बहुत ही आसानी से आप बढ़ा सकते हैं। चाहे आप इसी पैटर्न को यूज़ करके आप छोटे साइज़ का घेरा बनाइए या बड़े साइज़ का बनाइए, पैटर्न सभी का यही रहेगा। इसमें मैंने आपको फाइव राउंड कंप्लीट करके दिखा दिए। फ्रेंड्स आप चाहें तो जितना भी बड़ा साइज़ आपको चाहिए होगा आप उतने ही राउंड बढ़ाते जाइए और पैटर्न फॉलो करते जाइए। फ्रेंड्स तो ये देखिए हमारा घेरा, ये देखिए फ्रेंड्स हमारे घेरे का ये फाइव राउंड हमने कंप्लीट कर लिए। और ये घेरा हमारा देखने में कुछ ऐसा है। और आप इसी पैटर्न को जो मैंने आपको सिखाया है फ्रेंड्स, इसी पैटर्न को यूज़ करके आप किसी भी साइज़ के लिए ये सिंपल घेरा बना सकते हैं। और ये जो हम घेरा पाँच नंबर के लिए बनाते हैं तो उसकी जो ये वाली हमारा डायमीटर होता है वो हमारा 10 इंच का होता है फ्रेंड्स। तो आप इसी को फॉलो करते हुए किसी भी साइज़ को आप ये घेरा बना सकते हैं। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा काम करने का तरीका और वीडियो बनाने का तरीका और आपको समझाने का तरीका ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स भी करें। राधे राधे।